121 आदमियों को फांसी हुई, जिसमें शहादत लाखों की हुई, 121 में से 93 ही संयुक्त पंजाब के थे, उसमें 2626 आदमियों को आजीवन कारावास हुआ, जिसमें से 2147 इसी संयुक्त पंजाब से थे, और आज ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है। बड़े शर्म की बात है जो ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे इनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले, देश का पेट भरने वाले, देश की हर फील्ड में इज्जत कर बढ़ाने वाले, उनको गद्दार खालिस्तानी कहा जाता है। किसान जाएगा कहां? किसान इस हालात में सरकार ने पहुंचा दिया, वो आग लगाए फसल में लगाए या अपने शरीर में लगाए, मरने से अलावा कुछ नहीं बचा इस किसान के पास। खेती कानूनों को लेकर जिथे हर कोई फिक्रमंद है, पर सरकार बेफिक्र ही नजर आ रही है। दिल्ली दियां बरूहां ते किसान लगातार 90 दिन तो बैठे ने, पर सरकार नूं उन्हां दा कोई ख्याल नजर नहीं आ रहा। जिथे हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ते केंद्र दे मंत्रियों दे वल्लों एक कहा जा रहा सी कि यह अंदोलन सिर्फ पंजाब दा ही अंदोलन है, उत्थे ही हरियाणा दे किसान ने कहा कि सिर्फ पंजाब दा अंदोलन नहीं बल्कि हुण जन अंदोलन बन गया। हरियाणा दे किसानां वल्लों पहले दिन तो ही समर्थन मिल रहा ते अगे भी मिलदा रहेगा। नाल ही हरियाणा दे किसान ने केंद्र सरकार नूं कहा कि पंजाब ते हरियाणा दे किसानां दा आपसी भाईचारा मोदी तो बहुत उम्मीदां सी पर खरे नहीं उतरे। होर की कुछ किया वो भी तुहानू सुणाउने आ। मैं रणदीप सिंह दैया, गांव सिसाणा, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करता हूँ, 90 दिन से ज़्यादा हो गए इन किसानों को यहाँ सर्दी में बैठे हुए, 250-300 लोगों किसानों की शहादत हो चुकी है। क्या सरकार और सरकार के मंत्रियों को जरा भी इनके बारे में कोई सोचने का टाइम नहीं है? ये देश के अन्नदाता हैं, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश का पेट भरने के लिए, देश के हर फील्ड में ये देश की इज्जत बचाते हैं और बनाते हैं, और ये बार बार सरकार के कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन को फैल करने की कोशिश करते हैं, इसको जातीय रंग देने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सर्व जातीय मजदूर किसान आंदोलन है। इसमें मजदूर कमेरा वर्ग सब शामिल है, और ये ना ही एक प्रदेश का आंदोलन है, खाली पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, एक जन आंदोलन है। और जो ये लोग बताना चाह रहे बार बार इसको जाटों का आंदोलन बताने की कोशिश कर रहे, आपस में एक विवाद करने का, इसका जातीय मामला रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बताऊं, जिस जाति को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं उस जाति का इस देश की रक्षा में, इसका पेट भरने में, अभी हाल की बात है, इस देश में विश्व कुश्ती के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें 27 अकेले हरियाणा से हैं और 27 के 27 जाट है। क्या इस देश की इज्जत नहीं बढ़ेगी उनसे? क्या इस देश में कोई योगदान इनका? किसान भी इन्हीं से है, सेना जवान भी इन्हीं से है, देश की रक्षा भी ये करते हैं, और ये तो ऐसी अच्छे दिल की कौम है जिसने एक परिचय दिया है। हमारे महाराजा रणजीत सिंह जो हुआ करते, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इलाका उनका चाइना से लेकर तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान में उनका राज हुआ करता, उन्होंने कभी कोई लड़ाई लड़ी, हारने वाले को कभी ना जेल में डाला ना कभी उसको मौत के घाट उतारा, इतने दयालु हैं ये। उन्होंने उसको वहाँ जागीर दी और उनका बजर गुसर करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ इस देश की रक्षा में महाराजा सूरजमल अकेले योद्धा हैं जिन्होंने 13 बार अंग्रेजों को हराया है। एक अकेला इस देश का एकमात्र किला भरतपुर का लोहागढ़ा किला, जो आज तक किसी को कोई नहीं तोड़ सका, क्या देश की रक्षा नहीं थी? इस देश की रक्षा में इनका इतना बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा योगदान है। हमारे सभी गुरुओं ने इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी मिसाल का एक भाईचारे की मिसाल हमारे पास है, जैसे गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर से कुछ हमारे आए बुजुर्ग भाई औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त हो गए, दिल्ली पहुंचे, उन्होंने औरंगजेब के सामने डटकर इसका विरोध किया, जिसके बदले में उनकी गर्दन को काटी गई उनके शीशगंज गुरुद्वारे में, और उनके एक शीशे बच गए थे। भाई जैता जी उनकी गर्दन को लेकर वो आनंदपुर साहिब जा रहे थे, मुगल सेना पीछे थी, तो वहाँ हमारे गढ़ी गांव है दैया का, भाई हमारे बुजुर्ग कुशाल सिंह दैया ने उनको गांव इकट्ठा हो गया, सेना से गांव छोटा था, मुकाबला नहीं कर सके था। उन्होंने बताया भाई मैं 1-2 साल का मेहमान हूँ, गुरुजी की जान बहुत कीमती है, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, मेरा सिर काट दो और उनको दे दो, गुरुजी का शीश बचा का आनंदपुर साहिब पहुंचा दो। तो हमारा तो ये आपस का भाईचारा था, जिसको आज नया भाईचारा नहीं है, हमारा पुराना खून का रिश्ता है, हमारा पुराना भाईचारा है, एक दूसरे के लिए बलिदान दिए गुरु, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए, हमने गुरुओं के लिए जो हमारी बस हमारे जो जरूरत पड़ी हमने उनका सहयोग किया है। और अब ये कह रहे हैं इनको खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, गद्दार कहते हैं, वो आदमी जो इस देश के गद्दार हैं, जिन्हें न देश की कोई सोच है ना कोई चिंता है, इस देश की आज़ादी में जो संयुक्त पंजाब आज पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है, जिसमें हरियाणा हिमाचल का भी कुछ, हरियाणा और हिमाचल भी आते हैं, उस देश की आज़ादी की लड़ाई में इस कौम ने
121 आदमियों को फांसी हुई, जिसमें 77 लाखों की हुई। 121 में से 93 ही संयुक्त पंजाब के थे, उसमें 2626 आदमियों को आजीवन कारावास हुआ, जिसमें से 2147 इसी संयुक्त पंजाब से थे, और आज ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है। बड़े शर्म की बात है जो ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे इनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले, देश का पेट भरने वाले, देश की हर फील्ड में इज्जत कर बढ़ाने वाले, उनको गद्दार खालिस्तानी कहा जाता है। क्या शर्म की बात, इन नेताओं को किसी को कोई शर्म नहीं? क्या इनको थोड़ी भी इनके बारे में चिंता नहीं? इन्होंने इनको चुनकर भेजा था। अब भाई ये हमारी चुनिंदा सरकार है, बहुत मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को, लेकिन अब रक्षक ही भक्षक बन गया, तो किसान कहाँ जाएं? कभी कहते हैं एक टिकैत साहब ने एक बात जोश जुनून में कह दी थी एसआर रैली में, अब भाई फसलों को आग लगा देंगे। फसलें तो किसान के बच्चों के समान, औलाद के समान है, उसको बोता है, पाड़ता है, सींचता है, लड़ाई गुड़ाई करता है, लेकिन ये मजबूरी की बात है। क्यों? दुख आता मरता किसान क्या करेगा? उनको एक चौधरी छोटू राम का वाक्य नजर आ गया, रे बरे आजम सर, छोटू राम जी ने अंग्रेजों के वक्त में एक बात कही थी, जब अंग्रेज आधे दाम पर हमारा अनाज खरीद रहे थे तो उन्होंने कहा था भाई इनको देने से तो अच्छा इसमें आग लगा दो, तो वो जोश में उनकी जयंती थी नजदीक में, उन्होंने ये बात कह दी। इसका मतलब ये नहीं किसान फसलों को आग लगाएंगे, फिर किसान जाएगा कहाँ? किसान इस हालात में सरकार ने पहुंचा दिया, वो आग लगाए फसल में लगाए या अपने शरीर में लगाए, मरने से अलावा कुछ नहीं बचा इस किसान के पास। ये नौबत सरकार ने ला खड़ी करी है और बदनामी इनको करती है, कभी कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहे एमपी महाराष्ट्र के किसान इधर दिल्ली नहीं जाएंगे, कभी इधर के कहते ये नहीं होगा, कभी शरारती तत्व बांट दिए 26 जनवरी वजह से गलत हरकत ड्रामा करवाया, जैसे सिंह बॉर्डर पर पथराव करवाया, ये टुच्ची हरकतों से कुछ नहीं होने वाला, इनका मनोबल नहीं टूटेगा, ये तो आर पार की लड़ाई में के मूड में है, और ये आखिरी वक्त है इनके लिए, या तो ये सरकार मार देगी इनको ना तो आप मरना पड़ेगा इन्हें, सरकार नहीं सुनोगी तो। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, अब जो हमारे देश की एक चुनी हुई सरकार इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है, उसको थोड़ा भी भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको जो उनके जो एडवाइज़र हैं उनको सद्बुद्धि दे, अब वो किसानों के बारे में सोचे, सरकार को समझाएं, बताएं अब सरकार क्या करने जा रही। सो वाकई ही उन्हें आंदोलन जर आंदोलन बन चुका, देखना यह होगा कि आखिर कदों तक किसानों की त्रासदियाँ इंज ही देखने को मिलनगियां, जां फिर केंद्र सरकार कोई किसानों के मुद्दे पर हल कढ़दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, उन्हें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। असल दे विच कुंडली है की? ज्योतिष शास्त्र विच कुंडली दा सब तो महत्व है, बिना कुंडली तो असीं किसी प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर सकते। तुसीं गल कीती कि जिहड़े कुंडली दे विच 12 खाने हुंदे ने, उह अलग अलग उहनां दे विच ग्रह हुंदे ने, लगन हुंदे ने। किसी भी खाने च कोई भी ग्रह हो सकदा, अपने 9 ग्रह, ठीक है, 9 किस पहले घर च मंगल भी हो सकदा, शनि भी हो सकदा, कोई ग्रह भी नहीं हो सकदा। उस टाइम दी पोजीशन नहीं था, उस टाइम जे राशि दे विच केहड़ा ग्रह किथे बैठा है, उस टाइम दी पोजीशन सामने कुंडली बनदी है। D5 चैनल पंजाबी लिया रहा है खास प्रोग्राम ज्योतिष एंड साइंस, हर मंगलवार सवेरे 7 बजे देखना ना भुलना D5 चैनल पंजाबी ते।